अपने कॉलेज टाइम में हर कोई एक चीज तो जरूर खाता है, वो है मैगी, वो भी अलग अलग टाइप की। मेरे कॉलेज के टाइम में मेरे कॉलेज के बाहर मिलती थी स्ट्रीट स्टाइल वाली चाइनीज मैगी, और इतनी टेस्टी होती थी। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपसे क्यों ना शेयर करूं। आप दोस्तों ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, मैगी का अलग ही स्वाद है इसमें। अब ये स्ट्रीट स्टाइल मैगी बनाने के लिए मैंने अपने पैन में सबसे पहले 2 कप पानी डाला है। पानी जैसे ही उबल जाए, उबलने के बाद ही आप यहाँ पर मैगी डाल देना, पूरी पूरी मैगी डालना। गलती से इसको तोड़ने का जुर्म मत कर देना, अगर आपने तोड़ दी तो लंबी लंबी चाउमीन बिल्कुल नहीं बनेगी। हल्के हाथ से ही आप इसको घुमाना और धीरे धीरे करके मैगी खुलने लग जाएगी। और अगर आप इसकी चाउमीन बनाना चाहते हो तो आप इसको ज़्यादा देर बिल्कुल मत पकाना, एग्जैक्ट आपने 2 मिनट्स तक पकाना है। सीरियसली घड़ी से देखकर आपने 2 मिनट पकाना है। मैगी में हल्का सा कच्चापन रहना चाहिए, क्योंकि विथ टाइम मैगी धीरे धीरे करके और पकेगी तो पूरी पक जाएगी। फटाफट से मैंने इसको स्ट्रेन कर दिया है और जल्दी से जल्दी ठंडे ठंडे पानी से धो लिया है, ताकि जितना एक्सेस स्टार्च हो वो निकल जाए और कैरी ओवर कुकिंग जो है वो बहुत कम हो जाए। अब देखो मैं अपने हाथ से आराम से मैगी को छू सकता हूँ। तो अब इसको बड़े से परात में ट्रांसफर करना, हल्का सा इसको सूखने देना लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, और फटाफट से फिर इसके ऊपर तेल लगा लेना। थोड़ा सा ही तेल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, और लगाना सिर्फ इसलिए है ताकि मैगी चिपके ना, नहीं तो एकदम चिपकी चिपकी केक बन जाएगा। दोस्तों जब भी आप ऐसे मैगी बना रहे हो तो आप कोशिश करना कि जो सॉसेज है ना वो पैन में मत मिलाना, आप मैगी में अलग से मिलाना। उसे होगा क्या कि अगर आप पैन में मिला दोगे तो मैगी इतनी डेलिकेट होती है वो सारी टूट जाएगी, और सॉसेज मिलने की बजाय सब टूटा टूटा आपको मिलेगा। लेकिन आप अलग से मिलाओगे तो आप उसको आराम से कंबाइन कर सकते हो और ओवर कुक भी नहीं होगी मैगी। आप चिली गार्लिक सॉस, टमाटो केचप, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस सारी आप इसी चाउमीन में ही डाल देना, बाहर पैन में मत डालना। आप देखना रिजल्ट में बहुत फर्क आता है। और हाँ, मैगी मसाला का 1 पैकेट जो है वो मैंने यहीं पर डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। ना तो अब मैगी चिपकेगी और सारा जो फ्लेवर्स होंगे ना वो एक एक नूडल्स में 100% चिपक जाएंगे। आप नहीं तो टॉस करते रहोगे, टॉस तो होने से रहा मैगी टूट और जाएगी और विद टाइम चिपक और जाएगी। सीरियसली यहाँ पहले मिलाने से बहुत फर्क पड़ता है। चलो फटाफट से अपने पैन में चलते हैं। बिल्कुल नूडल्स आपने बनानी है जैसे नूडल्स बनाते हैं चाइनीज। पैन में आप तेल डालना, तेल को एकदम अच्छे से गर्म होने देना। मुझे तो चिली गार्लिक बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लहसुन डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाली है एकदम फाइनली चॉप। हल्का सा इनको रोस्ट कर लेना और फिर आप यहाँ पर प्याज डाल देना। प्याज को मैंने दोस्तों यहाँ पर स्लाइसेस में रखा है, और अगर आपके पास पड़ा है घर में तो आप हरा प्याज भी डाल सकते हो। मुश्किल से आपने 2 मिनट ही पकाना है। गैस को आप हाई फ्लेम पर ही रखना, क्योंकि चाइनीज कुकिंग है तो वो हाई फ्लेम पर ही होती है। हल्का सा सिर्फ सौते करना है, ऐसा नहीं है कि इनको ज़्यादा अच्छे से पकाना है, सिर्फ सौते करना है। फिर आप यहाँ पर सब्जियाँ डाल देना, और जो आपके पास सब्जियाँ पड़ी होंगी घर पे वो डालना। जैसे कि मैंने कैप्सिकम डाली है, मेरे पास लाल और पीली भी थी तो वो भी डाली है। साथ साथ मैंने यहाँ पर गाजर डाली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा और टॉस करके, क्योंकि हाई फ्लेम पे बना रहे हैं इसको हिलाना ज़रूरी है। मैंने टॉस करने के बाद फटाफट से यहाँ पर पत्ता गोभी भी डाल दी है। आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालना, थोड़ी सी काली मिर्च डालना फ्लेवर के लिए। मैगी मसाला में मुझे पता है नमक काफ़ी होता है, लेकिन सब्जियों में नमक नहीं है ना दोस्तों। मैगी मसाला तो सिर्फ मैगी के लिए होता है। ये आप यहाँ पर डाल देना, अच्छे से मिला कर आप यहाँ पर वो सॉसेज वाली मैगी नूडल्स डाल देना, और इन सब चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेना। अब आपने बहुत देर तक बिल्कुल नहीं पकाना, अगर बहुत देर तक पकाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और अब जाके मैंने फाइनली मैगी का दूसरा वाला पैकेट डाला है। पहले एक डाला था, उसको अच्छे से मिलाया था, और अब दूसरा वाला पैकेट डाला है ताकि सिर्फ इसमें चाउमीन की खुशबू ना है, इसमें मैगी वाली खुशबू भी है, तभी तो मज़ा आएगा। अब इसको भी अच्छे से मिला देना, टॉस कर देना। अगर आप टॉस कर सकते हो तो बढ़िया है, अगर आप टॉस नहीं कर सकते तो आप चिमटे से भी इसको अच्छे से मिला सकते हो। तो बस दोस्तों एकदम स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज़ वाली मैगी बन के भी पूरी तैयार है। एंड में बस मैंने स्प्रिंग अनियन डाला है, आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। चिपकी चिपकी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सेपरेटेड है, एकदम अलग अलग खिली खिली चाइनीज स्टाइल स्पाइसी वाली मैगी।